दाल पैकेट वाली लेंगी 130 रुपये, खुली लेंगी 100 रुपये। हमारे भैया बताए रहे की दाम अखबार में पढ़े रही है, कहा बजट मेरी कुछ बताई नहीं, कहीं अखबार में निकली रही, कहा निकली रही बताओ ना, बताओ ना, आप बताओ, कहे कि चाहे जितनी बड़ी से बड़ी दाल ले, 78 की दाल 282 से 85 मिली। नाराज हो बना के दे रहे ना, आप क्या घबरा रहे हैं? और भैया तनिक तेल पाउच वाला बोतल ही दे दो। बोतल वाला कितने रुपया में है? 115 रुपये। चीनी भैया 40 रुपये। हम ले तो हमको भी यही सब दाम दे ही, चाहे जो लीजिए, चाहे जो व्यक्ति हमारे लिए एक रिक्शा वाला आएगा, एक रिक्शा वाला आएगा, वो भी हमारे लिए कस्टमर है। मीडियम है, सुपर कौन सी देंगे? असल में पेपर में छप का है, लोग आवत है तो वहाँ सस्ती वाली पूछत है। डीएम साहब जानो पेपर छपवाए दिन की जो सत्ता छपवाए दे थोड़े होते हैं। जो मीडियम से ऊपर वाली रही वो भी अखबार निकली हुई 78 मिली। अब हम मालिक को ये बताओ कि हम वहाँ बता दे गरीब को, वो कहा था कि तुम 78 की दाल मांगते, अच्छा ला हमें दे, हमें सब मांगत है, हमारा पति हॉस्पिटल में, हमको ला के तो भी झूठे छपवा दी मीडियम साहब। हाँ क्या सुन रहे उधर भैया फिट कर दे रहे, हमको बोरी चाहिए भैया, बताओ 28 रुपए में दाल लग जाए। अच्छा ठीक है, एक बोरी निकाल भीड़ भाड़ लगा सामने, अरे एक बोरी उठाई दो यार, एक बोरी उठाई दो। सिटी मजिस्ट्रेट ने जब दुकानदार से जिलाधिकारी द्वारा तय किए गए मूल्यों के बारे में बताया तो दुकानदार ने कैसा बहाना बनाया, आप खुद देखिए। दादा बोरी कितने की दे रही अरहर की? दादा शर्मा किराना स्टोर के बाद सिटी मजिस्ट्रेट वंदना त्रिपाठी अपने दल बल के साथ कैलाश नाथ की दुकान पर पहुंची। गिरफ्तारी काफी लोगों की हुई है, इस दुकान से 3 लोगों की हुई है, पिछली दुकान से भी 2 लोगों की हुई है, और जिसपे चेतावनी हो रही है उससे एक कुल मिला के 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इसका पूरा श्रेय मैं अपने जिलाधिकारी और एसपी सर को देना चाहूंगी कि वो इतनी तेजी के साथ हर चीज पर कड़ी निगरानी रखती है। मैम कुल कितनी दुकानें सील हुई हैं? 2 दुकानें सील हुई है और तीसरे को बंद कराया गया है चेतावनी के साथ। कोई गोदाम भी है इसमें? हाँ एक गोदाम है, जिस दुकान के सामने आप खड़े इनका गोदाम है।
मैम कितना ओवर रेटिंग थी, कितना परसेंट था? जो डीएम सर ने रेट निर्धारित कर रखा है उससे लगभग 5 से 10 रुपए बढ़ा करके ये दे रहे थे हम लोग, उसके बाद भी दाम कम नहीं कर रहे। मैडम इसमें थोक की भी कोई दुकान नहीं? एक थोक की है, थोक की काफी बड़ी दुकान है और एक रिटेलर है जो भी लॉकडाउन के दौरान मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वाले 3 दुकानदारों के ऊपर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया और दुकानों को सील किया।